के विशेष सत्र यानी नए संसद से महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 20 सितंबर को लोकसभा से पास हुआ। इससे पहले इस पर सदन के अंदर जमकर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा से चले गए। इस पर अमित शाह ने राहुल गांधी के बार बार दोहराए गए कथन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे डरो मत भाई। साथ ही अमित शाह ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए हमला बोला और कहा कि कुछ पार्टियों के लिए महिला आरक्षण राजनीति का मुद्दा बन सकता है, लेकिन मोदी सरकार के लिए यह मुद्दा नहीं बल्कि मान्यता का सवाल है। कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अमित शाह के संबोधन से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर कई सीधे हमले किए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस सरकार ने ओबीसी समाज को नजरअंदाज किया है। असल में राहुल गांधी अपने साथ कुछ आंकड़े लेकर आए थे। ये आंकड़े ओबीसी समाज की भागीदारी और जनगणना को लेकर थे। जैसे ही राहुल गांधी ने इस बारे में बोलना शुरू किया, सत्ता पक्ष से थोड़ा हल्ला हुआ। उस हल्ले को देखते हुए राहुल गांधी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा कि घबराइए मत, आप डर क्यों रहे हो। Have 3% of the 90 secretaries of this country and control and define 5% of India's budget. This is an insult and a shame to the OBC community. ये OBC community का अपमान है। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने OBC हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। इतना ही नहीं, जब गृह मंत्री अमित शाह के बोलने का वक्त आया, तब राहुल गांधी अपनी सीट से उठकर चले गए। इस पर अमित शाह ने चुटकी लेते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, डरो मत।